मी स्टार्ट करतो. सर्वप्रथम सर्वांचे धन्यवाद, ज्यांनी ज्यांनी मला इथे बोलण्याची संधी दिली. मान्यवरांचेही धन्यवाद, त्यांनी उत्कृष्ट असे आपल्याला टिप्स दिलेले आहे, गायडन्स दिलेले आहे. वरुण सरांचेही धन्यवाद आणि स्पेशल थँक्स टू स्वप्नजा जाधव मॅडम. त्यांनी सुद्धा एक उल्लेखनीय अशी आपल्याला एक गोष्ट सांगितली की ज्या थ्रू आपण खरंच समजू शकतोय की प्रयत्न वाळूचे कण रगडिता तेलही कळे. म्हणजे जोपर्यंत आपण प्रयत्नच करणार नाही तोपर्यंत आपण कुठेच पोहोचू शकत नाही. ठीक आहे, असं तुम्हाला भाषण अनेक जण देतील. मी मुद्द्यावर येतो. माझा आत्ता मुद्दा आहे गुगल क्लासरूम. गुगल क्लासरूम हे ऍप्लिकेशन गुगल सूटचं ऍप्लिकेशन आहे. म्हणजे गुगल ऍप्लिकेशन, गुगल आयडी असल्याशिवाय किंवा गुगलचा मेल आयडी असल्याशिवाय तुम्ही गुगल क्लासरूम हे ऍप्लिकेशन यूज करू शकत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याकडे सर्वात पहिली गोष्ट जी आहे ती गुगलचा मेल आयडी असण्याची गरज आहे. गुगलचा मेल आयडी असल्यानंतर आपण गुगल क्लासरूम हे ऍप्लिकेशन यूज करू शकतोय. गुगल क्लासरूम हे ऍप्लिकेशन मध्ये आपल्याला बरेच फीचर्स मिळतात. आपण मुलांशी कनेक्ट राहू शकतोय, कोलॅबोरेट करू शकतोय. त्याच्यानंतर आपण मुलांचे विविध टॉपिक्सचे अभ्यासक्रम आपण त्यांना देऊ शकतोय, मटेरियल पोस्ट करू शकतोय. आणि ते सगळं करत असताना आपल्याला विविध टूलचा वापर करण्याची गरज नाहीये. तर एक गुगल क्लासरूम हे एक छोटस टूल आपण वापरून हे सगळ्या गोष्टी करू शकतोय. सो मी गुगल क्लासरूम याची सुरुवात करतो. गुगल क्लासरूम सर्वात पहिल्यांदा आपण इथं बघू शकताय. मी काही छोटे छोटे इमेजेस टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की स्टुडंट्स क्विक गाईड टू गुगल क्लासरूम. काय काय गाईड असू शकतंय मुलांसाठी गुगल क्लासरूम वापरण्याचे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण गुगल क्लासरूम कसा दिसतो, काय दिसतो याविषयीची सगळी माहिती घेणारच आहोत. पण हे छोटे टिप्स आहे काही, ते मी स्क्रोल करतोय. आणि आपल्या आपण आपल्या मोबाईल फोनवर असाल तर त्याचे स्क्रीनशॉट घेऊ शकताय. आपण आपल्या लॅपटॉपवर असाल तरी त्याचे स्क्रीनशॉट घेऊ शकताय. तर ह्या प्रकारे आपल्याला स्टुडंटसाठी फीचर्स मिळणार आहे गुगल क्लासरूमवर. गुगल क्लासरूम याचा लोगो कसा असणार आहे, कारण की लोगो असल्याशिवाय किंवा लोगो माहिती असल्याशिवाय आपण गुगल क्लासरूम त्याचा सुरुवात करू शकत नाही. त्यामुळे लोगो कसा असणार आहे, गुगल क्लासरूमचा लोगो हा या प्रकारे आपल्याला दिसणार आहे प्ले स्टोअरवर आपल्या. आपण आता स्टेप बाय स्टेप गाईड घेऊया त्याचे की गुगल क्लासरूम कसं वापरायचं किंवा गुगल क्लासरूमचे काय काय ऍडव्हान्टेजेस आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण ऍडव्हान्टेजेस जाणून घेऊया. गुगल क्लासरूमचा सगळ्यात पहिला ऍडव्हान्टेजेस शिक्षकांसाठी आहे की शिक्षक काय काय करू शकताय. माझ्या अंदाजी काही क्वेरीज येत आहे की हिंदीमध्ये पण बोला, सो मैं हिंदी में भी स्विच करता हूँ. की टीचर का क्या क्या रोल हो सकता है इसमें, तो क्रिएट क्लास, कोलॅबोरेट असाइनमेंट, पोस्ट अनाउन्समेंट, गॅदर इन्फॉर्मेशन, पोस्ट क्विज, पोस्ट गुगल डॉक्युमेंट्स, पोस्ट गुगल शीट, पोस्ट PDF फाइल्स, पोस्ट इमेजेस और पोस्ट वीडियोज. हम टीचर्स है, जनरली हमारा काम क्या रहेगा कि बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचनी चाहिए. इसलिए हर जगह पे आपने देखा कि बहुत बार मैंने वर्ड यूज किया पोस्ट पोस्ट पोस्ट. तो हमारा काम यह है कि बच्चों तक हम पूरे मटेरियल पहुंचाने वाले हैं गूगल क्लासरूम के थ्रू. तो बच्चों का रोल क्या रहेगा इसमें, गेट द मटेरियल, गेट द असाइनमेंट, गेट टू डिस्कस विथ अदर स्टूडेंट्स, गेट टू वर्क कोलेबोरेटिवली, गेट असाइनमेंट एंड शेयर, कैन आस्क फॉर क्वेरीज, विल गेट फीडबैक, विल बी असाइंड. बच्चे असाइन होने वाले हैं, फीडबैक भी मिलने वाले हैं उनको, मटेरियल भी मिलने वाला है और उसके साथ साथ वो कोलेबोरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात करके एक दूसरे के क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों को कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, और मेरे चार बच्चों ने डेफिनेशन ऑफ नाउन लिखा. उसमें उन्होंने लिखा है नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स. तो वो समझो वहाँ पे एनिमल वर्ड भूल गए. दूसरे बच्चे उनको असिस्ट कर सकते हैं उस कंडीशन में, यहाँ पे एनिमल वर्ड भी आना चाहिए. इस तरह से गूगल क्लासरूम जो है वो हमें ढेर सारी फैसिलिटीज के साथ अवेलेबल है और ये हमें बहुत मतलब इतना अच्छा फीचर्स गूगल क्लासरूम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है. दूसरी चीज है हाउ टू क्रिएट योर ओन क्लास. वरुण सर ने आपको PPTs दिखाए है, तो मैं PPTs ना दिखाते हुए मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे आ जाता हूँ. आप सबको मेरी मोबाइल स्क्रीन दिख रही है वरुण सर? हेलो वरुण सर, हेलो इट्स फाइन, आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है. ओके थैंक यू. तो मेरी मोबाइल स्क्रीन आप देख सकते हो, मैं गूगल क्लासरूम का आपको प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ. सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं मेरे ऐप स्टोर में जाऊंगा. जो भी मेरे ऐप से आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे मल्टीपल ऐप्स जहाँ पे, वहां पे मैं जाऊंगा और मैं
मेरा प्ले स्टोर सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहली चीज है मुझे मेरा प्ले स्टोर सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो मैं मेरा प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जैसे मेरा प्ले स्टोर ओपन होता है तो बहुत सारे ऐप की गैलरीज वीडियोज ये आपको दिखाई देंगे। वहां पे मुझे डालना है सबसे पहले गूगल क्लासरूम, क्योंकि मुझे गूगल क्लासरूम या ऐप डाउनलोड करना है। तो गूगल क्लासरूम, मैंने गूगल क्लासरूम जैसे ही यहाँ पे डाला है तो आप देख सकते हो गूगल क्लासरूम का जो लोगो है, गूगल क्लासरूम का जो लोगो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और यहाँ पे मुझे ओपन का साइन मिल रहा है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का साइन मिलेगा। आपको ओपन का साइन नहीं मिलेगा, इंस्टॉल का साइन मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये क्लासरूम इंस्टॉल किया है इसलिए मुझे यहाँ पे ओपन का साइन मिल रहा है। आप आपका गूगल क्लासरूम इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे कुछ परमिशंस मांगेंगे, वो परमिशंस आपको सारी परमिशंस अलाउ करनी है। अलाउ करने के बाद आपको इस तरह से ब्लैंक पेज खुला दिखेगा। मेरा ऑलरेडी क्लास चल रहा है इसलिए मैं पूरा पेज ब्लैंक नहीं कर सका आपके लिए, बट आपको ये पेज पूरा व्हाइट कलर का दिखाई देगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पूरा पेज जैसे व्हाइट है, वैसे आपको पूरा पेज आपका व्हाइट दिखाई देगा। सिर्फ आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो टैब से गूगल क्लासरूम और ये ऐड का साइन है ये दिखाई देगा। इसके अलावा आपको कुछ भी चीजें दिखाई देगी नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी गूगल क्लासरूम में अभी मुझे क्या करना है, तो मैंने गूगल क्लासरूम तो खोल दिया है। अब गूगल क्लासरूम खोलने के बाद मुझे अगली स्टेप क्या फॉलो करनी है, तो मुझे अगली स्टेप ये फॉलो करनी है उसमें कि मैं सबसे पहले मेरे गूगल क्लासरूम में ये ऐड के बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। ये ऐड का बटन जो आप देख रहे हो, मैंने रेड कलर के मतलब रेड कलर से मैंने उसको मार्क किया है यहाँ पे, वो ऐड के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे वो आप ऐड के बटन पे क्लिक करते हो तो आपको आपके सामने दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, पहला है ज्वाइन क्लास और दूसरा है क्रिएट क्लास। अभी एज अ टीचर सबसे पहला आपका रोल ये रहेगा कि आपको क्लास को क्रिएट करना है, आपको क्लास को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्रिएट करना है तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हम क्रिएट क्लास ये लोगो पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्रिएट क्लास लोगो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल उसने पूछा क्या आपके स्कूल ने उसको इंस्टॉल किया है, क्या आपके स्कूल ने आपको परमिशन दी है कि यूज करने की। तो ये सारी चीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करना है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड नोटिफिकेशन गिवन बाय यू एंड यू हैव टू स्टिक, यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका क्लास जो है वो इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हो आपका क्लास इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप आपका क्लास देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई देगी। सबसे पहले एक क्लास नेम, फिर है आपका सेक्शन, फिर है आपका रूम, फिर है आपका सब्जेक्ट। अभी ये तो हम टीचर्स है तो हमको ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन पे आते हैं इसके कि क्लास रूम क्लास सेक्शन क्या क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा खुद का क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा क्लास है सिक्स स्टैंडर्ड, तो मैं सिक्स स्टैंडर्ड लिखूंगा। मेरा सेक्शन है ए बी सी डी जो भी है, यहाँ पे मैं ए सेक्शन लिखूंगा क्योंकि मेरा सेक्शन जो है वो ए सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे ए सेक्शन लिखूंगा। रूम नंबर, अभी आपका अगर कोई स्पेसिफाई रूम नंबर होगा तो आप वहाँ पे वो भी डाल सकते हो। जैसे 203 मेरे रूम नंबर में मेरा क्लास चलता है तो मैं यहाँ पे 203 ये रूम नंबर डालूंगा। और ये मुझे कौन से सब्जेक्ट के लिए क्रिएट करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मुझे ये क्रिएट करना है इंग्लिश के लिए, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश डालूंगा। इस तरह से ये सब होने के बाद मेरे आप देख सकते हो जो क्रिएट का आइकॉन था वो अब तक ब्लर था, वो ब्लू हो गया है। ब्लू होने का मतलब है कि आपने सारी एंट्रीज डाल दी है, आपने सारी एंट्रीज डाल दी है और आपको अभी यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। आपको क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि ये पेज लोड होता है, और लोड हो जाने के बाद आपका क्लास जो है वो धीरे 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 आपको क्रिएट होते हुए नजर आएगा। ये देख सकते हो आप, मेरा क्लास जो है 6A का वो क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद मेरा क्लास है वो कहाँ पे आया है, सबसे पहली चीज गूगल हमको तीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वो उसमें से आपको तीनों फैसिलिटीज में धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली फैसिलिटी है स्ट्रीम, दूसरी फैसिलिटी है मेरा क्लासवर्क, और तीसरी फैसिलिटी है मेरे पीपल। ये तीनों फैसिलिटीज गूगल क्लासरूम हमको प्रोवाइड करता है एट ए टाइम। तो इन तीनों फैसिलिटीज का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल जानकारी लेंगे।
और हम हमारे बच्चों तक कैसे पहुंच सकते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्लास को क्रिएट कर लिया है, अब मुझे किसकी जरूरत है? तो मुझे जरूरत है मेरे बच्चों की। जब तक बच्चे क्लास में नहीं आएंगे तब तक मेरा क्लास स्टार्ट हो सकता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी मेरे बच्चों को कैसे ज्वाइन करना है ये पहले हम देख लेते। हमारे बच्चों को ज्वाइन करने के दो तरीके है। पहला तरीका है हम सीधा यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपका जनरेट क्लास कोड करके ऑप्शन है। सॉरी, जनरल क्लास कोड करके ऑप्शन है आपका, और यहाँ पे आपको एक छोटा क्लास कोड दिखाई दे रहा है IGIR4VV करके आपको एक क्लासरूम क्लास कोड दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्लास कोड है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कोड है, ये हमको शेयर करना है। अभी हम कैसे शेयर करेंगे बच्चों के साथ? तो इतना बड़ा क्लास कोड है, टाइप करते समय मिस्टेक होगी, सब कुछ हो सकता है, तो इसको शेयर कैसे किया जाए? तो आप जैसे ही वहां पर क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद आपको दिखता है वहां पे कॉपीड क्लास कोड आ गया है। जैसे ही मैं वहां पे क्लिक करता हूँ वैसे ही मुझे वो ऑप्शन दिखाता है कॉपीड क्लास कोड, या फिर उसके सामने आप तीन डॉट्स देख सकते हो, वो तीन डॉट्स को आप क्लिक करके वो कोड डिसेबल भी कर सकते हो, उसको रीसेट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्लास कोड है मुझे रीसेट करना है तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हो, डिफिकल्ट भी कर सकते हो, पर आपको उसका ज्यादा यूज नहीं होता है, एक ही बार आपको इसका यूज करना होता है, इसलिए उसको टैप करके रखिए, क्लिक करके रखिए थोड़ी देर के लिए, और आपका क्लास कोड जो है वो कॉपी हो जाएगा। जैसे आपका क्लास कोड कॉपी हो जाता है वैसे आप क्या करोगे, आप सीधा क्या करोगे, आपके टैब को किसी भी तरह से मिनिमाइज कर दोगे और आपका व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी खोल के आप उस टैब को इजीली शेयर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे शेयर करके भी दिखा देता था बट मेरे कंटेंट है तो यहाँ पे शेयर करना नामुमकिन है, पर मैं आपको मैसेज भेज के दिखाता हूँ किसी को। तो मेरे को यहाँ पे मैसेज भेजना है तो मैं क्या करूंगा, उसको सिर्फ पेस्ट कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ उसको और मैं सेंड कर देता हूँ, तो ये क्लास कोड सामने जो बच्चे है जिनको ज्वाइन करना है, जो बच्चे को ज्वाइन होना चाहते हैं गूगल क्लासरूम में, उनको ये क्लास कोड मिल जाएगा। अभी और एक चीज, जैसे वरुण सर ने बोला है वैसे ही इस गूगल क्लासरूम में भी बहुत जरूरी है कि जैसे आपके पास गूगल क्लासरूम इंस्टॉल्ड है वैसे बच्चों के पास भी गूगल क्लासरूम होना जरूरी है। अभी बच्चे क्या करेंगे, अभी उनको क्लास कोड तो मिल गया है, आगे बच्चों को क्या करना है? बच्चों को क्लास कोड मिल जाने के बाद बच्चे जब गूगल खोलेंगे तो बच्चों को भी इसी तरह से व्हाइट स्क्रीन दिखाई देगी, और यहाँ पे जो एड आपने जहाँ पे क्रिएट क्लास किया था वही एड का ऑप्शन आप बच्चों को भी दिखाई देगा ये वाला, और फिर एड के बटन पे उन्होंने क्लिक करने के बाद उनको दो ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन रहेगा ज्वाइन क्लास और दूसरा ऑप्शन रहेगा क्रिएट क्लास। अब यहाँ पे बच्चों को कहाँ क्लिक कर रहे हैं, बच्चों को क्रिएट क्लास नहीं करना है, बच्चों को ज्वाइन क्लास के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और बच्चों ने जैसे ही ज्वाइन क्लास के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो बच्चों को वो पूछेगा क्लास कोड, टेल मी योर क्लास कोड। तो जैसे बच्चे क्लास कोड पूछेंगे, तो आपने देखा अभी मैंने क्लास कोड जो है मेरा कॉपी किया था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद देखिए आप यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ज्वाइन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ज्वाइन के ऑप्शन पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आपको सबको दिखाई दे रहा है, इस ज्वाइन के ऑप्शन पे बच्चों को क्लिक करना है और वो आपके क्लास को इजीली अटैच हो जाते हैं, इसलिए उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बच्चे गूगल क्लासरूम के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा, मैं खुद ज्वाइन नहीं कर सकता इसको क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ क्लास का। तो अभी मेरा फर्स्ट फीचर, मैं क्लासरूम, ये मेरा क्लासरूम है, मैंने ओपन किया उसको। अब हमको ये तीन बेसिक फीचर्स गूगल क्लासरूम के जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखने। सबसे पहले हम कौन सा फीचर देखने वाले हैं, तो वो ये वाला फीचर है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं स्ट्रीम करके आपका एक फीचर है, स्ट्रीम आप देख सकते हो यहाँ पे, स्ट्रीम करके फीचर है जिसको मैंने रेड कलर के एरो से अभी मार्क किया है। स्ट्रीम फीचर आपको क्या क्या फैसिलिटीज देता है ये हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्लासरूम एडिट कर सकते हो आप, यहाँ पे आपका क्लासरूम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है उसको आप एडिट कर सकते हो, या फिर कुछ भी अलग अलग फीचर्स है जो इस्तेमाल करने हैं तो आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आप आपके क्लासरूम का क्लास कोड चेंज कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटी जो स्ट्रीम ऑप्शन हमको देता है वो है हमारा शेयरिंग ऑफ द कंटेंट, शेयर विथ योर क्लास। आप देख सकते हो मेरा फोटो है और उसके बाजू में शेयर विथ योर क्लास करके उन्होंने पूछा है। शेयर विथ योर क्लास में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप देख सकते हो मैंने शेयर विथ योर क्लास पे क्लिक किया। मैंने जैसे ही शेयर विथ योर क्लास क्लिक किया तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टुमारो, टुमारो सेशन स्टार्ट्स एट
2 PM ये मैंने डाल दिया और आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको कुछ साइंस दिखाई देंगे। ये पोस्ट का साइन है, ये जो है यहाँ पे आप पिन का साइन है, मतलब आप कोई ईमेल डालना चाहते हो या फिर आप कोई PDF भेजना चाहते हो बच्चों को उसके साथ, तो वो आपको एनेबल करता है। जैसे आप वो पिन के साइन पे क्लिक करोगे तो आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन खुल जाएगी, आपको PDF भेजनी है, आपको इमेज भेजनी है या फिर आपको और कुछ कुछ चीजें भेजनी है, तो आप वो पिन के साइन के थ्रू भेज सकते हो। और उसके बाद अगर मुझे कुछ नहीं भेजना है, मुझे सिर्फ लिखना है टुमारो सेशन स्टार्ट्स एट 2 PM और मैं जब ये पोस्ट करता हूँ तो मेरे सारे बच्चों को ये अनाउंसमेंट उनके जीमेल में या उनका जो जीमेल अकाउंट रहेगा, जो अकाउंट से वो यहाँ पे लिंक हुए है, जो अकाउंट से उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, उनको सबको जीमेल पर नोटिफिकेशन जाएगा कि आपके क्लासरूम में आपको अनाउंसमेंट पोस्ट हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए। जैसे बच्चे उस अनाउंसमेंट जीमेल अकाउंट पर क्लिक करते हैं, वैसे जीमेल वो उनको क्लासरूम में लेके आएगा और क्लासरूम में उनको अनाउंसमेंट दिखाएगा कि कल का सेशन जो है वो 2 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो आपको 2 बजे शार्प वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। दूसरा ऑप्शन हमारा स्ट्रीम के बाद हम आगे जाएंगे, हमारा सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पूरे गूगल क्लासरूम की जान है या हमारे गूगल क्लासरूम का पूरा हार्ट बोल सकते हैं आप उसको, वो है हमारा क्लासवर्क फीचर। वो है हमारा क्लासवर्क फीचर। क्लासवर्क फीचर हमको क्या क्या एनेबल करता है या क्या क्या फैसिलिटीज देता है, ये हम थोड़ा डिटेल में अभी देखना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज, मैं क्लासवर्क पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लासवर्क पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ब्लैंक पेज ओपन हुआ दिखाई देता है, जिसमें मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर की तरफ 3 डॉट है, उसके बाजू में मेरे क्लास का नाम है और नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में एक प्लस का साइन है, तो मुझे वही प्लस के साइन पे जो नीचे की तरफ प्लस का साइन है उसके ऊपर मुझे सबसे पहले टैप करना है। ये प्लस के साइन पे मुझे टैप करना है। जैसे मैं प्लस के साइन पे टैप करता हूँ वैसे ही मुझे आप मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हुए दिखाई देगा। आपको कौन से मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे, तो सबसे पहला ऑप्शन है टॉपिक, दूसरा ऑप्शन है मटेरियल, तीसरा ऑप्शन है क्वेश्चंस और चौथा ऑप्शन है असाइनमेंट। अभी हम एक एक और सबसे नीचे है रीयूज पोस्ट। रीयूज पोस्ट मतलब क्या है कि अगर मेरे मल्टीपल क्लासेस चल रहे हैं, मैं 6 A भी ले रहा हूँ, 6 B भी ले रहा हूँ, तो मेरे मल्टीपल क्लासेस है और बच्चे अलग अलग है, तो मैं 6A में मैंने कुछ पोस्ट किया है और मुझे वो 6B में वापस पोस्ट करना है, तो मुझे वापस टाइप करने की जरूरत नहीं, वो मटेरियल वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए रीयूज पोस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रीयूज पोस्ट के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी देता हूँ। मैं पहले रीयूज पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने रीयूज पोस्ट पे क्लिक किया तो मुझे वो दिखाता है कि मेरे कितने सारे क्लासेस चालू है, उसमें से मैं ICC वुलन मिल का एक क्लास चालू है मेरा, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन वर्कशीट, ये 2 वर्कशीट मैंने दिए है, इसमें से मुझे मल्टीप्लिकेशन की जो लिंक है वो वापस भेजनी है, तो मैं वहाँ पे वो ये देख सकते हैं आप मुझे कि मैंने वो मल्टीप्लिकेशन की लिंक वापस भेजी है और मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ, ये मेरा रीयूज का ऑप्शन है। अब मुझे रीयूज का ऑप्शन यूज नहीं करना है, फिलहाल मैं मेरे क्लास में हूँ और मैं मेरे क्लासवर्क में हूँ। क्लासवर्क में मैंने मल्टीप्लिकेशन की लिंक जो है वो नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर देता उसको। ओके, सेकेंड ऑप्शन हम देखेंगे इसमें का जो है हमारा, मैंने फिर एक बार ऐड के साइन पे क्लिक किया है, फिर एक बार मैंने ऐड के साइन पे क्लिक करने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा मेरे टॉपिक के कॉलम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब तक आप कोई भी टॉपिक क्रिएट नहीं करते हो तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ सकते गूगल क्लासरूम में, तो टॉपिक क्रिएट करना बहुत जरूरी चीज है, बहुत बेसिक चीज है। तो मैं सबसे पहली चीज है मैं मेरा टॉपिक क्रिएट करता हूँ। टॉपिक क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मेरे टॉपिक साइन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने टॉपिक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो मुझे उन्होंने एक पॉपअप आइकॉन दिया है जिसमें उन्होंने ऐड टॉपिक दिया है। ऐड टॉपिक पे मेरा ये क्लास है इंग्लिश का, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश के ग्रामर के बारे में बात करूंगा, तो ग्रामर में मेरे बहुत सारे पार्ट आते हैं, तो मैं पहले नाउन के बारे में यहाँ पे टॉपिक क्रिएट करूंगा। मैंने नाउन के बारे में टॉपिक क्रिएट किया है, मैं उसको ऐड करता हूँ, तो मेरा टॉपिक है नाउन, तो ये मेरा टॉपिक यहाँ पे क्रिएट हो गया। पर टॉपिक क्रिएट हो जाने के बाद जब तक आप उसमें कुछ भी नहीं डालते हो, मटेरियल्स नहीं डालते हो, तब तक बच्चों को तो ये चीज समझ में ही नहीं आएगी कि नाउन चल रहा है सिर्फ, उसके बारे में क्या है कुछ भी नहीं, सिर्फ टॉपिक ऐड किया है आपने। तो अब क्या करोगे आप, दूसरी स्टेप फॉलो करोगे। जैसे आपने वो टॉपिक क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर एक बार आपके क्लासरूम के ऐड बटन पे क्लिक करना है। क्लासरूम के ऐड बटन पे आप क्लिक करते हो वैसे ही आपको दिखाई देगा कि टॉपिक के ऊपर वाला जो है वो है हमारा मटेरियल। ये मटेरियल, इसके ऊपर हमको टिक करना है। जैसे हम मटेरियल पे क्लिक करते हैं तो ऐसे आप देख सकते हो मटेरियल के लिए उसने आपको टाइटल पूछा है, डिस्क्रिप्शन पूछा है,
हम पहले टाइटल डाल देते हैं। मेरा टाइटल रहेगा इंग्लिश ग्रामर है, तो वीडियो मैं वीडियो पोस्ट करना चाहता हूँ ग्रामर नाउन के बारे में, नाउन के बारे में जो वीडियो है वो मैं पोस्ट करूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा लुक एट द वीडियो। Look at the video and know about noun. आपको वीडियो को देख के नाउन के बारे में डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। अभी यहाँ पे नीचे जो है इंपॉर्टेंट चीज है टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इस टॉपिक पे क्लिक करते हो तो आपको पूछता है किसमें आपको डालना है, मल्टीप्लीकेशन में डालना है या नाउन में डालना है। तो ये मेरा नाउन के अंडर टॉपिक है, इसलिए मैं इसको नाउन के फॉर्म में टिक करूंगा और उसके बाद मैं सेव करूंगा। जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया तो आप देख सकते हो नीचे उसने टॉपिक का नाम अपने आप चेंज कर दिया है और वो है नाउन। अब मैं है ये वीडियो कहाँ से देख सकता हूँ या ये वीडियो कहाँ से भेज सकता हूँ? मुझे ये वीडियो सच में बनाने की जरूरत है क्या? ये मैं मेरे गैलरी से ही भेज सकता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको नाउन के वीडियो आपके गैलरी से ही भेजने हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ आप वीडियो किस तरह से भेज सकते हो। सबसे पहले आपके मोबाइल को मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज कर देने के बाद आप क्या कीजिए, आपका यूट्यूब खोल दीजिए। मैंने मेरा यूट्यूब खोल दिया है। यूट्यूब पे आप यहाँ पे सिंपली नाउन टाइप कर दीजिए। नाउन टाइप करने के बाद आपके लिए हजारों लोग है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, तैयार बैठे है। तो आप इसमें से कोई भी ले लीजिए। मुझे कार्टून वाला बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ये ले लेता हूँ। ये कार्टून वाला वीडियो है मेरा नाउन का। इसमें पहले ऐड आ रही है, आप ये ऐड को जैसे ही ऐड बंद हो जाता है उसके बाद नाउन का जो वीडियो स्टार्ट होता है। आप इसके नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया है शेयर करने का। यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन है, तो मैं ये वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। ये शेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो मैं ये ऑप्शन शेयर कर सकता हूँ गूगल क्लासरूम में। देख सकते हैं आप, मेरे गूगल क्लासरूम ओपन होगा और यहाँ पे वो मुझे शेयर करने के लिए जगह देगा कि आपको कहाँ पे शेयर करना है। मेक अनाउंसमेंट, क्रिएट असाइनमेंट, आस्क क्वेश्चंस या क्रिएट मटेरियल। तो क्रिएट मटेरियल में मैं उसको पोस्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट भी। आप इस तरह से आपके कोई भी गूगल लिंक को आपके यूट्यूब से या आपके मोबाइल के कोई भी गैलरी से या आपके व्हाट्सएप से आप शेयर कर सकते हो कोई भी लिंक। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे नीचे लिंक है। मैं जैसे यहाँ पे डालूंगा नाउन, डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा नाउन एंड एनिमेटेड वीडियो, तो आप यहाँ पे टॉपिक के अंदर ये नाउन के अंदर सिलेक्ट कर लोगे जैसे हमने पहले से फॉलो किए थे। और ये मेरी वीडियो की लिंक है। जैसे ही ये यहाँ पे ये आ जाता है तो आपको लास्ट ऑप्शन कहाँ जाना है, तो आपको जाना है यहाँ पे आपके पोस्ट बटन पे। आपको मैंने अभी दो बटन बताए थे, एक आपके पिन का साइन आता है जहाँ से आप ऐड कर सकते हो और दूसरा है पोस्ट का। तो यहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं। तो नाउन के अंडर ये टॉपिक जो है वो मेरा गूगल क्लासरूम का टॉपिक जो है वो पोस्ट हो चुका है। अगर मैं नाउन के टॉपिक को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो पोस्ट हो चुका है। बच्चे डायरेक्टली यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, उनको वहाँ का नोटिफिकेशन जाएगा गूगल आपके जीमेल पे। जीमेल से वो बच्चे जैसे उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं वो अपने आप उनका गूगल क्लासरूम खुल जाएगा। गूगल क्लासरूम से वो ये वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकते, इसको देख सकते। इसका फायदा ये भी होता है कि गूगल एड जो होते हैं, मतलब एड जो बच्चे कभी कभी कुछ कुछ एड्स खराब आते हैं तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो यहाँ से आप उसको भी कंट्रोल कर सकते। क्योंकि जब गूगल क्लासरूम में आप वीडियो पोस्ट करते हो तो वो वीडियो विदाउट एड खुलता है, ऐसा गूगल का कहना है। मैंने आज तक देखा है तो वो यूट्यूब लिंक में ही खुलता है बट विदाउट एड खुलता है, ऐसा गूगल का कहना है। तो आप सिक्योरिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मैं आपको यहाँ पे आगे लेके जाना चाहूंगा। गूगल क्लासरूम में और एक फीचर है जो है मटेरियल। तो हमने पोस्ट कर दिया पर अगर हमको ये देखना है कि बच्चों को सच में ये समझ में आ गया है क्या कि बच्चों ने जो नाउन का टॉपिक किया है वो सही है या गलत है, हमको कैसे पता चलेगा? एज अ टीचर मुझे तो पता चलना चाहिए बच्चे जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सच में वीडियो देखा है या नहीं देखा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की उन्होंने फैसिलिटी दी है। जैसे ही आप देख सकते हो, मैं फिर एक बार पीछे आता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। ऐड बटन पे क्लिक करना है हमको, उसके बाद हमको ये वाला मटेरियल हमने देख लिया, अभी हमको देखना है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पे हमको क्लिक करना है। ये क्वेश्चन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही हमको ये
पॉपअप आइकन पूरा खुल जाएगा, उसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन, पॉइंट, ड्यू डेट, टॉपिक और शॉर्ट आंसर है या मल्टीपल चॉइस है। अगर मुझे लगता है मल्टीपल चॉइस है तो पहले मैं मल्टीपल चॉइस कर लूंगा, इसके मुझे ऑप्शंस देने के लिए नीचे यहाँ पे चांस मिल जाता है। तो क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं नाउन के बारे में, तो नाउन के बारे में डिफाइन नाउन, डिफाइन नाउन मैंने क्वेश्चन पूछा, डिफाइन नाउन। उसके बाद मुझे कुछ अगर जनरल इंस्ट्रक्शन देने हैं तो मैं दे सकता हूँ कि योर डेफिनेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द वीडियो, योर डेफिनेशन शुड बी वेरी प्रॉपर, इट शुड बी अप्रोप्रिएट, ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप दे सकते हो। मुझे यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन देने नहीं है, मैं उसके लिए पॉइंट अलॉट कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे ये 10 पॉइंट के लिए अलॉट करना है, क्योंकि मुझे बच्चों के अंदर सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अगर ये करना है, सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन क्रिएट करना है, तो मैं उसको मार्क्स भी अलॉट कर सकता हूँ, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, जो भी आप मार्क्स डालना चाहोगे। क्या आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ मुझे क्वेश्चन पूछना है बच्चों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको अनमार्क भी कर सकते हो आप, मतलब मार्क्स की जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल देता हूँ आपको समझ में आने के लिए, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स डालता हूँ। 10 मार्क्स के लिए मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बच्चों को, तो मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स डाल के सेव किया है। ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब आपका ड्यू डेट पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो एक कैलेंडर खोल दिया उसने, तो आपको कब तक एक्सपेक्टेड है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि बच्चे कल तक ये क्वेश्चन का आंसर करके दे दे, तो क्वेश्चन का आंसर कल तक, पर टाइम क्या होना चाहिए उसका वो भी आप डाल सकते हो। कल मुझे लगता है कि रात को 12 बजे तक बच्चों ने आंसर देना चाहिए, तो मैं वहाँ पे 12 AM डाल दूंगा। एम डालने के बाद रात को 12 बजे तक, कल रात को 12 बजे तक बच्चे उसका आपको आंसर या जवाब दे सकते हैं। उसके बाद वो टॉपिक ऑटोमेटिकली वहां से, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वहां से अनआंसर्ड हो जाएगा, बच्चे उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। अब ये किस टॉपिक के अंडर आपको डालना है, मल्टीप्लिकेशन या नाउन? तो नाउन, तो नाउन के अंडर हम डालना है, तो इसलिए मैंने नाउन टिक कर दिया और मैंने सेव कर दिया। जैसे मैं सेव करता हूँ ये मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, ये शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट आंसर पे टिक कर दिया। उसके नीचे आप दो और ऑप्शंस देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसलिए मैं आपको इनको थरोली बताना चाहूंगा। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स कैन एडिट द आंसर, और दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर। तो देखिए स्टूडेंट कैन एडिट द आंसर में आप क्या कर सकते हैं, आपके बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे जो आंसर उन्होंने दिया है उनको लगता है कि ये आंसर मुझे लगता है गलत है, तो उसको एडिट कर सकते हैं, मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एनेबल कर आप जैसे उसको एनेबल कर देते हो तो एनेबल हो जाएगा, डिसेबल कर दोगे तो डिसेबल हो जाएगा। तो मुझे नहीं चाहिए बच्चों ने एडिट करना नहीं है आंसर को, एक ही बार जो आंसर देगा वो फाइनल आंसर रहेगा। दूसरी चीज है, मुझे यहाँ पे ये भी जानना है स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू द ईच अदर, स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर, तो मैंने इसको एनेबल करके किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी वो आंसर चेक करे जो बच्चे दूसरे बच्चे दे रहे हैं, और वो उसको चेंज कर सके कि मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, ये आंसर सही है या ये आंसर गलत है, इस तरह से मैं भी उसको चेंज कर सकता हूँ इसलिए। और एक दूसरे को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं बच्चे कि नहीं तूने ये भूल गया, ये वो भूल गया, इस तरह से आप ये दो कंटेंट एनेबल या डिसेबल कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। अभी मैंने ये टॉपिक जनरेट कर लिया है, मैं यहाँ पे इसके साथ मुझे कुछ मटेरियल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ड्राइव ऑप्शन है, ये जो ड्राइव ऑप्शन है मतलब आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव नाम का एक स्पेस होता है, जिसमें से आप सारी चीजें, आप जितने भी चीजें सेव करते हैं वो गूगल ड्राइव में आप सेव कर सकते हो, वो वहां से आपको लेना है तो गूगल ड्राइव ऑप्शन देगा। लिंक, लिंक मतलब आप अगर कोई, आपने जैसे अभी मैंने एक यूट्यूब की लिंक थी जो मैंने कॉपी किया था, अगर उस लिंक के थ्रू देना चाहते हो तो लिंक के थ्रू दे सकते हो। आपके मोबाइल के किसी फोल्डर में से देना चाहते हो तो फाइल पे क्लिक कीजिए। आपको अगर उसका फोटो निकाल के देना है तो फोटो निकालने का साइन या टेक फोटो ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। रिकॉर्ड वीडियो मतलब आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है तो रिकॉर्ड वीडियो करके आप भेज सकते हो। आपको कई नई PDF बनानी है, मतलब जो आपको बनाना है खुद से अभी, तो आप नए न्यू PDF पे क्लिक करके ये मटेरियल पोस्ट कर सकते हो। अभी मुझे इसके साथ कोई मटेरियल, क्वेश्चन के साथ कोई मटेरियल पोस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं ये मटेरियल पोस्ट नहीं करूंगा। तो आगे आते हम, गूगल मतलब ये ऑप्शंस आप एनेबल कर सकते हो, ये पिन का साइन, ऊपर जो पिन का साइन है वो इस्तेमाल करके। उसके बाद है ये पोस्ट का साइन, जो आप व्हाट्सएप पे भी देख सकते हो, ये पोस्ट का साइन होता है। वो पोस्ट करने के बाद मेरा जो क्वेश्चन है वो सारे बच्चों तक पोस्ट हो चुका है और उनको अभी तक मेल जा चुका है कि आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पोस्ट हुआ है, आप जाके गूगल में चेक कीजिए। गूगल में चेक करके उसको वहीं से रिप्लाई कर सकते हैं बच्चे। भले बच्चों को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना आता है तो क्या करेंगे, तो बच्चे भले ही उसको वो आंसर को क्या करेंगे,
आपके पेपर पे नॉर्मल पेपर पे लिखेंगे उसका फोटो निकालेंगे और गूगल क्लासरूम के थ्रू वो फोटो हमको शेयर कर सकते हैं। जैसे हम शेयर कर सकते हैं पिन का साइन दबा के, वैसे बच्चे भी रिप्लाई कर सकते हैं पिन का साइन दबा के। टेक अ फोटो ऑप्शन था, टेक अ फोटो पे क्लिक करेंगे और फोटो खींच के हमें वो भेज सकते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चों को भी गूगल ये फैसिलिटीज देता है। लास्ट ऑप्शन है और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है मेरे लिए, तो असाइनमेंट। मैं आपको असाइनमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूंगा। असाइनमेंट यहाँ पे टॉपिक पे हम जब प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं वहीं पे आपके क्वेश्चन के ऊपर वाला जो है वो है असाइनमेंट। अभी क्या होता है, बहुत असाइनमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन हम सिर्फ देखते हैं कि वो टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें उसको पता है या कुछ चीजें पता नहीं है, ये देखने के लिए। और असाइनमेंट जो होता है वो ब्रॉडर टॉपिक होता है। जैसे आप होमवर्क देना चाहते हो, ये एक टाइप की असाइनमेंट है। आप अगर बच्चों को कुछ होमवर्क देना चाहते हो, रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, रिलेटेड एक्टिविटीज देना चाहते हो, ये सारी असाइनमेंट में आती है। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। असाइनमेंट, तो मैं अभी असाइनमेंट देना चाहता हूँ मेरे बच्चों को। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे प्लस साइन पे टिक करूंगा, असाइनमेंट पे टिक करूंगा। असाइनमेंट पे टिक करने के बाद मुझे असाइनमेंट क्रिएट करनी है, तो मैं असाइनमेंट डालूंगा टाइप्स ऑफ नाउन। मेरी वीडियो में सब इंक्लूडेड था तो मैंने डाला है टाइप्स ऑफ नाउन। और मैं यहाँ पे डालूंगा डिफाइन ईच टाइप ऑफ नाउन। और ये क्वेश्चन मुझे रखना है बच्चों के लिए 20 मार्क्स के लिए, क्योंकि मेरा असाइनमेंट जो है वो 20 मार्क्स का, इसलिए मैंने 20 मार्क्स के लिए रखा है। ये मैंने सेव कर दिया है, उसकी ड्यू डेट मैं फिक्स कर लेता हूँ। कल मुझे ये असाइनमेंट बच्चों ने पोस्ट करना चाहिए दोपहर में 12 बजे तक, तो मैं 12 PM यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके क्लिक करने के बाद टॉपिक कौन सा है, नाउन, नाउन के अंडर है ये, तो इसलिए नाउन टॉपिक को सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा। ये सारी चीजें करने के बाद फिर एक बार गूगल मुझे फैसिलिटी देता है कि असाइनमेंट में भी मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे पिन के साइन पे क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। पर फिलहाल मुझे कुछ ऐड नहीं करना है इसमें, तो मैं सीधा वो असाइनमेंट पोस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं असाइनमेंट पोस्ट करता हूँ वैसे ही यहाँ पे असाइनमेंट क्रिएटेड आप देख सकते हो, नीचे की तरफ आया था असाइनमेंट क्रिएटेड। ये टैब जो है वो मुझे एनेबल करता है बच्चों तक असाइनमेंट पहुंचाने में। उनको गूगल जीमेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पे वो चीजें बार बार वो देख सकते हैं। इस तरह से मेरा जी सूट अकाउंट है, यहाँ पे मैं गूगल क्लासरूम एक्सेस कर रहा हूँ मेरे पर्सनल मेल आईडी से, जहाँ पे गूगल मुझे बहुत सारी फैसिलिटी देता है, क्लासरूम फोल्डर देता है। फिर मैंने जो जो क्लासेस डिलीट किए हैं मेरे, जो जो क्लासेस मैं फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ उनके बारे में मुझे यहाँ पे आर्चिव करके क्लास है उसमें इन्फॉर्मेशन देता है। ये मेरे करंट दो रनिंग क्लासेस है, एक सिक्स का, एक का जो अभी हमने क्रिएट किया है, और दूसरा आईसीएससी वुलन मिल जो मेरा कंटिन्यू है। फिर उसके बाद हम नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, हम कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आपको वरुण सर ने भी बोला है, वैसे गूगल हमको यहाँ पे और एक फैसिलिटी देता है कि हम यहाँ से गूगल क्लासरूम से गूगल मीट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था डिटेल्ड रिव्यू गूगल क्लासरूम के बारे में। आपके जितने भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चन है, आप पोस्ट कीजिए। जो जो क्वेश्चन हमको मिलेंगे वो क्वेश्चन के बारे में हम जरूर आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे या आप तक रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। मेरे सेशन को एंड करता हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आपके कोई भी क्वेरीज हो, आपके कोई भी अगर सवाल हो, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे पोस्ट कर सकते हो। आप मेरा ईमेल आईडी आपके मोबाइल स्क्रीन पे या फिर यूट्यूब लाइव आप देख रहे हो वहाँ पे आप मेरा ईमेल आईडी देख सकते हो। मेरी ईमेल आईडी पे आप क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो। वो क्वेरीज पोस्ट करने के बाद मैं आपको जरूर उन क्वेरीज के जवाब दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन। मैं एक नॉर्मल आपको ये लास्ट स्टेटमेंट इसलिए बताना चाहूंगा, मैं भी एक नॉर्मल बीएमसी का टीचर हूँ जो क्लासरूम में पढ़ाता है। और मैं जानता हूँ कि इस टाइम मुझे बच्चों की और बच्चों को मेरी दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम ये छोटी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो कुटुंब प्रमुख है, जैसे खरे मैडम ने भी कहा, हमारे कुटुंब प्रमुख है, उनके मार्गदर्शन पे हम ये छोटी कोशिश कर रहे हैं। मैंने हिंदी में बोलने की कोशिश की, एक्चुअली मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो गलतियां हुई होगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड ओवर टू वरुण सर।